इटावा जनपद के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव हेमंत राव ने इटावा जनपद का किया भ्रमण। कोविड-19 से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों का लिया जायजा। जनपद पहुंचे नोडल अधिकारी हेमंत राव ने सबसे पहले विकास भवन परिसर में बनाए गए कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसी कंट्रोल रूम से होम आइसोलेटेड मरीजों से प्रतिदिन जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के द्वारा फ़ोन के माध्यम से हालचाल लिया जाता है। कोविड-19 कंट्रोल रूम पहुंचे नोडल अधिकारी के साथ जिलाधिकारी श्रुति सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा सिंह, SSP इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार मौजूद रहे। वहीं जिला अस्पताल स्थित कोविड-19 अस्पताल में अपनी अव्यवस्थाओं को छुपाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कल से ही मरीजों के तीमारदारों को अस्पताल से निकालकर दूर भेज दिया गया और सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी तरह कोई भी तीमारदार नोडल अधिकारी के आसपास नहीं पहुंच सके, क्योंकि पिछले 2 महीने से वेंटिलेटर को लेकर जिला प्रशासन की अव्यवस्थाएँ सुर्खियों में रही थी, जिसके चलते कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वहीं स्टाफ की कमी, गंदगी को लेकर अस्पताल की बदहाल तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके चलते आज अस्पताल परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, तो साथ ही एक्स आर्मी मैन भी अस्पताल परिसर में तैनात कर दिए गए। वहीं अस्पताल का निरीक्षण करने पहुँचे अपर मुख्य सचिव नोडल अधिकारी हेमंत राव ने जिलाधिकारी श्रुति सिंह, SSP ब्रजेश कुमार, CMO भगवान दास, CMS एवं SDM के साथ कोविड-19 अस्पताल में मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। आपने कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ देखा और क्या कुछ मिला है? यहाँ पर ऑक्सीजन के बेड अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, तो जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स बेड की सुविधा है वो सब अवेलेबल है, कोई उसकी कोई कमी नहीं है। और जो पेशेंट्स हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है, उनका पूरी तरह से इलाज किया जा रहा है। जो यहाँ पेशेंट इस समय हैं उनका मैंने चार्ट भी देखा है, उनकी तबीयत में सही में सुधार आ रहा है, उनसे बातचीत भी की है कि आपको इस समय कैसा लग रहा है। सबने बताया जिससे भी मैंने बात की है कि हाँ तबीयत उनकी सुधर रही है, और उनके साथ के जो अगर कोई है तो उन्होंने बताया कि हाँ ट्रीटमेंट वगैरह सब अच्छी तरह से किया जा रहा है, डॉक्टर नर्स लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं, सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। पिछले दिनों में देखा गया वेंटिलेटर का अभाव था, जिसके कारण कई मौतें भी हुई थी, लेकिन अब क्या स्थिति है? आपने इस समय वेंटिलेटर्स काफ़ी संख्या में यहाँ पर उपलब्ध हैं, यहाँ पर भी उपलब्ध हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल या वहाँ SSI मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध है। अभी मैं आ रहा हूँ कमांड सेंटर से, सारा देख करके कि कहाँ पर कितना बेड ऑक्सीजन वेंटिलेटर उपलब्ध है कि नहीं है। इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत कंट्रोल स्थिति में है, इस समय कोई समस्या नहीं है। सर, यहाँ पे अधिवक्ताओं की लगातार शिकायतें मिल रही थी, प्रशासनिक अधिकारी अपने मूल काम छोड़कर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हुए थे। आपके आने की सूचना के बाद यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, क्या ये व्यवस्थाएं आगे भी इसी तरीके से चलती रहेंगी? इस व्यवस्था जो इस समय है और आगे तो हमेशा आप देखते ही हैं कि सुधार होता ही है, हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाते हैं, तो इस समय काफ़ी इम्प्रूव्ड स्थिति है। इस समय कोई भी मरीज जिसका भी ऑक्सीजन लेवल कम है, घबराहट है, कुछ भी है, किसी भी तरह से आता है वो आराम से भर्ती हो सकता है, और तुरंत ट्रीटमेंट भी शुरू उसका यहाँ हो सकता है, सारे डॉक्टर नर्स मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।